हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी करिकुलम चैनल आज हम डिस्कस करेंगे टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की पहली सीरीज़ है आपको मिलेंगे टोटल फाइव हंड्रेड क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड और ये क्वेश्चन मेनली बनाए गए हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से तो ये हर एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी करिकुलम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी और ये पाँच सौ क्वेश्चन की सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पाँच सौ क्वेश्चन मिल सकें और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो वन है वॉट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा आपसे मिनिमम एज पूछा गया है ऑप्शन आप देख सकते हैं तो जो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा ये उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेशन्स ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन आई लोकसभा साल में कितने सेशन लेती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्री सेशन्स होते हैं लोकसभा में और अगर बात करें तो ये जो तीन सेशंस होते हैं साल में एक बार उनमें से उनके नाम क्या हैं तो पहला है बजट सेशन मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन ये तीन सेशंस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लोकसभा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में और इसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा तो आपको अभी मैंने पहले बताया है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में अगर आपको माइंड में क्लिक हो रहा है तो आप उसको आंसर कह सकते हैं सो द राइट आंसर इज समर सेशन क्योंकि हमने बजट की बात की मॉनसून की और विंटर की लेकिन जो समर सेशन है वो नहीं होता है और सिर्फ तीन ही सेशंस होते हैं लोकसभा के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बजट इज़ ऑल्सो नोन एज हम बजट को और क्या कहते हैं तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम जो बजट है उसे हम एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं और वो प्रोवाइड कराया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ़ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन होता है इनमें से तो आप ऑप्शन देख सकते हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी यानी कि उसमें प्रेसिडेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ बिल और नॉट कौन डिसाइड करता है कि ये बिल बनेगा या फिर मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है ऑप्शंस आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ़ द लोकसभा फाइनेंस मिनिस्टर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कितने टायर सिस्टम प्रोवाइड कराता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी थ्री टायर सिस्टम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज दी फादर ऑफ लोकसभा लोकसभा के फादर कौन है तो करेक्ट आंसर है जी वी मलवानकर ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है इज बेस्ड ऑन विच मॉडल जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है वो किस मॉडल पर बेस्ड है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेस्टमेंटर मॉडल पे बेस्ड है और ये मॉडल है ब्रिटेन टेन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फाइव ट्वेंटी फाइव जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो मैक्सिमम है वो फाइव फिफ्टी मेम्बर्स होते हैं एक हाउस में और फाइव थर्टी मेम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के और जो ट्वेंटी मेम्बर्स होते हैं वो यूनियन टेरीटरीज से होते हैं वॉट इज़ द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट अभी मैंने आपको लोअर हाउस बताया था अब आपको बताना है कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन है तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है

अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आखिर सरकारिया कमीशन होता क्या है जो सरकारिया कमीशन है उसको सेटअप किया है 1983 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये एग्जाम करता है सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप रिलेशंस relations को बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ पे जो जस्टिस रंजीत सिंह सरकारियाँ हैं ये चेयरमैन थे चेयरमैन ऑफ द कमीशन जो कि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज एंड बी यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या है स्टैंप ड्यूटीज एंड द बी इज़ एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटीरियल्स जो रेवेन्यू जनरेट होता है स्टैम्प ड्यूटीज से और एक्साइज़ ड्यूटीज़ ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल से ये कम्पोज किया जाता है इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन जो इसको कलेक्ट करने का प्रोस कलेक्ट uh, करने का चार्ज है वो किसके पास है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अब आपको बताना है कि कौन से टैक्सेस हैं जो कि इम्पोज और कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सो so, तो, दो जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि जो स्टेट ड्यूटी है सेल्स टैक्स है और जो लैंड रेवेन्यू टैक्स होता है ये सारे स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है सो so, इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जैसे कुछ टैक्स हमने बात करे ऑप्शन में और इसमें बात कर लेते हैं सारे टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है सेल्स टैक्स आता है इसमें वैट आता है प्रोफेशनल टैक्स आता है लग्जरी टैक्स आता है एंटरटेनमेंट टैक्स मोटर व्हीकल टैक्स टैक्स ऑन व्हीकल्स इंटर इंटरिंग स्टेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड टैक्स ऑन मिनरल्स ये सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट अब आपसे पूछा गया है कि वो टैक्स बताइए जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और यूनियन गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है ऑप्शंस आप देख सकते हैं ये तीन ऑप्शन हैं जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है एक्साइज ड्यूटी है और स्टेट ड्यूटी है ये सारे टैक्स जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है और उन पर इम्पोज भी करती है यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कुछ और भी टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इम्पोज करती है और आपके पास है इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी ये इनडायरेक्ट टैक्स है मर्ज विद जी अब यहाँ पे आपसे दो टैक्सेस के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मैंने दोनों लोगों के बारे में बात कर लिया है जो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आ जाएगा इनकम टैक्स ये डायरेक्टली लेती है वेल्थ टैक्स ये भी डायरेक्टली लेती है गवर्नमेंट कारपोरेट टैक्स ये भी और जो एक्साइज और कस्टम ड्यूटी आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है और ये मर्ज हो चुके हैं किसके साथ लेकिन ये मर्ज है जीएसटी के साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो जीएसटी के साथ एक में मर्ज कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो उनको एक टैक्स बना के जी कर दिया गया है आई होप आपको यहाँ पे जी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं सो so, जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर्टिकल टू सेवेंटी फाइव है जो कि डील करता है और हेल्प प्रोवाइड करता है यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट आर्टिकल टू ट्वेंटी फाइव के बारे में बात कर लेते हैं जो आर्टिकल टू ट्वेंटी फाइव है वो रिलेटेड है किससे जो ग्रांट्स इन एड द यूनियन गवर्नमेंट टू सेंटर सर्टेन स्टेट्स जब किसी स्टेट को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो जब यूनियन गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है तो वो आर्टिकल है टू सेवेंटी फाइव जैसे कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को फ़ंड की ज़रूरत हुई तो वो जब यूनियन गवर्नमेंट से फ़ंड मांगेंगे तो वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा वो आएगा आर्टिकल नंबर टू सेवेंटी फाइव के जरिए वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगी फ़ंड दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया सी एफ आई के फंड से यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ंड उठाती है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जिसको ज़रूरत होती है जो डिमांड करता है उसे प्रोवाइड कराती है आई होप आपको क्लियर हो गया है अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के थ्रू जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का होता है तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल सिक्सटी सिक्स तो चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल सिक्सटी सिक्स के बारे में तो जो आर्टिकल सिक्सटी सिक्स है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको उनकी पोस्ट से उनके ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट या फिर लजिस्लेटिव असम्बलीज ऑफ द स्टेट सो द राइट आंसर इज़ द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिमूव दिन इज द्वेशन दाइस प्रेसिडेंट इज एज आपको बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका ऑफिस का टर्म कितना है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज फाइव इो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स और he और सी कैन रिजाइन बिफोर द completion ऑफ टेन्योर अगर उनका टेन्योर complete नहीं हुआ है और वो अपनी मर्जी से रिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो कभी भी दे सकते हैं चाहे एक साल के बाद हो चाहे फिर दो साल के बाद हो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ आपको यहाँ पे फिल करना है सो so, जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह भी एक्ट करते हैं एंड एक्ट एज़ प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करते हैं जब उनकी पोस्ट पे कोई नहीं होता है यानी कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है या वो बीमार हैं या फिर किसी वजह से एप्स प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह पे जो प्रेसिडेंट की तरह ऐड करते हैं वो पर्सन है वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं दो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस घुमा के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अप द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको बताना है कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पावर्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट्स की, की हैं तो जो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ऊपर दी हुई तीन पावर्स हैं ये तीनों पावर सुप्रीम कोर्ट्स की पावर्स हैं ओरिजिनल एंड अपीलेट जोरिस्टिक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस एंड द लास्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द्रेसिडेंट ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल सेवेंटी एट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो एड और एडवाइस देने का काम है वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ में प्राइम मिनिस्टर और ये आता है आर्टिकल नंबर सेवेंटी एट के अंदर आई होप आपको क्लियर हो गया है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आई होप आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी होगी और आगे भी जितनी भी सीरीज़ आएंगी आप वो सारी सीरीज़ देखेंगे सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगी थैंक यू सो मच गायस फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में